हेलो एवरीवन, हम हैं आज वेव ऑप्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस में वो सारे वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक जो बोर्ड के प्रस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, शुरू करते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर ऑफन एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। देखो, अगर वाटर के ऊपर एक थिन ऑयल की लेयर बना दी जाएगी और उसे सनलाइट में एक्सपोज्ड कर दिया जाए, तो वो क्या है, एक डिफरेंट कलर की दिखने लगेगी, उसके ऊपर एक कलरफुल पैटर्न आ जाएगा। वो किस फिनोमिना की वजह से होगा? या फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ एक और फिनोमिना बताऊं कि जहां पे जनरली मैकेनिक वगैरह की शॉप होती है, उसके वहां पर ऑयल ड्रॉप्स पड़ी होती हैं जो बहुत अगली दिख रही होती है इनिशियल फेजेस में, और वहां पे बारिश आ जाए उस वक्त, उसके बाद वो बड़ी ब्यूटीफुल नजर आने लगेंगे। ठीक है ना? ये जो फिनोमिना हो रहा है जहां पे हमारे पास ये ऑयल की जो फिल्म है, ये कैसी दिखने लगी है, कलरफुल दिखने लगेंगे, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जो हमने पढ़ा हुआ है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स पे जो लाइट की वेव आके मिल रही है, वो या तो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी या डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल है, इंटरफेरेंस। सिंपल सा आंसर है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू साइनोसॉइडल वेव हैविंग इंटेंसिटी आई। दो साइनोसॉइडल वेव है हमारे पास और दोनों की इंटेंसिटी कितनी है, आई। हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। सेम फ्रिक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड होने का मतलब होता है कि दे आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है ना? इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट अ पॉइंट, और किस तरीके से मिल रही है, एक पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे। देखो, दो तरीके से हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज मिलती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी या फिर डिस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी। अगर कंस्ट्रक्टिव फेज में मिल रही है, दैट मींस कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर वो डिस्ट्रक्टिव फेज में मिल रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम होगी। ये एनर्जी कंजर्वेशन का भी, हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम समझ सकते हैं कि किसी जगह पे तो सारी की सारी लाइट आ गई और कुछ स्पॉट क्या रह गए, ब्लैक या फिर डार्क स्पॉट रह गए। ठीक है ना? देखो, इसके लिए हमें इसका आंसर निकालना है, तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि ये जो है दोनों की जो इंटेंसिटी है, दैट मींस I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ये सब बराबर है, तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, I प्लस I प्लस 2 I, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, जब कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है तो कॉस फाई की वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू होगी 0 और कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4I। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 4I। अगर किसी दो पॉइंट पर कोहेरेंट सोर्सेज कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं तो इंटेंसिटी होती है 4I, अगर वही सेम डिस्ट्रक्टिवली मिलने लगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। ये पॉइंट याद रखना। और ये जो फिनोमिना है किसके बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है याद रखने का। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टू डेमोन्स्ट्रेट फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। अगर हमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो करना है, वी रिक्वायर टू सोर्सेज, हमें दो सोर्सेज चाहिए होते हैं इंटरफेरेंस के फिनोमिना को। जैसे हमने पढ़ा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हमने ये देखा है कि वो इंटरफेरेंस के फिनोमिना से जो वो स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है, वो इंटरफेरेंस की वजह से बन रही है। तो अब आगे उन्होंने पूछा है कि जो वो दो वेव्स होनी चाहिए, जो हमें दो वेव्स रिक्वायर है, वो किस टाइप की होनी चाहिए, उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि डिफरेंट वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद दिया हुआ है सेम फ्रिक्वेंसी एंड डेफिनेट फेज रिलेशन। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें कि उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए,
कॉन्स्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो सेम फेज में हो या फिर उनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो वो कॉन्स्टेंट हो हमेशा। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये कोहेरेंट सोर्सेज की बेसिकली कंडीशन भी है, तो इन्हें ध्यान से देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझो, देखो सिंपल क्वेश्चन है आराम से, कि जब हमने कोई वाईडीएसी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस पर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती रहेंगी, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा तो ये ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नहीं बनेंगी, कहीं जाकर तो स्टॉप होंगी। तो इन्होंने बोला है कि एक ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि जहां पर जो स्लिट का जो सेपरेशन है इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ, स्लिट सेपरेशन कितना है, जो स्मॉल डी है वो 2 लैम्डा के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। अब कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बन रहे होंगे सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर, और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बन रहे होंगे सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, तो हमें वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो सिंपल है, इन्होंने मैक्सिमास का डिस्कशन किया है, और तुम अपना फॉर्मूला याद हो इनिशियली तो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये किसके लिए है, ये मैक्सिमा के लिए। हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लेमडा के बराबर होनी चाहिए। अब तो यहां पे एक बात समझो, इस वैल्यू को अभी तक हम क्या ले रहे थे, इस वैल्यू को हम बहुत छोटा कंसिडर कर रहे थे साइन थीटा को, जो नियरली अबाउट थीटा के बराबर होती थी, और जिसे फिर फर्दर हम टेन थीटा के इक्वल कंसिडर कर लेते थे। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं। तो देखो जो साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम की तरफ अप्रोच करनी चाहिए, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो जब टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पता करनी है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो डी जो साइन की वैल्यू होगी वो होगी 1 एन लेमडा, ठीक है ना। अब डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि कितने मैक्सिमा बन रहे होंगे, 2 मैक्सिमा। लेकिन ये 2 मैक्सिमा कहां बन रहे होंगे, ये 2 मैक्सिमा बन रहे होंगे, ये होगा हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर 2 मैक्सिमा बन रहे होंगे, तो इसके नीचे भी कितने मैक्सिमा बन रहे होंगे, 2 जब ऊपर बन रहे हैं तो 2 मैक्सिमा नीचे बन रहे होंगे, तो टोटल मैक्सिमा कितने हो गए, टोटल मैक्सिमा जो हो गए, टोटल मैक्सिमा हो गए हमारे पास 5। आई होप बात आई होगी समझ में। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन वाईडीएसी शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज, अगर वाईडीएसी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो जो शेप होनी चाहिए किसकी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की, वो कैसी होनी चाहिए। तो देखो जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं उसमें शेप हमने इस तरीके से पढ़ी है, डार्क ब्राइट। लेकिन अगर वही तुम एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट देखोगे वहां पर इस तरीके से शेप दी हुई है, थोड़े इस तरीके से, जो दरअसल हमें शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलती है, वो मिलती है हमें हाइपरबोलिक शेप मिलती है। कैसी, हाइपरबोलिक शेप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइपरबोलिक शेप हमें यूजुअली मिलती है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्लिट आर 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट। जो स्लिट है वो कितनी दूर है, स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड इल्यूमिनेटेड बाय अ येलो लाइट, और जो लेमडा की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारे पास 600 नैनोमीटर। व्हाट वुड बी फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन 1 मीटर, जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1 मीटर, फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लिट इफ होल सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वॉटर। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किसके अंदर इमर्ज्ड कर दिया जाता है, वाटर के अंदर इमर्ज्ड कर दिया जाता है। देखो जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है वो होता है दरअसल बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ये हमारे पास नॉर्मली बीटा का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास जो वाईडीएसी का सेटअप है वो कहां रखा हुआ हो, एयर में रखा हुआ हो। अब हमने क्या किया है, इस सेटअप को पूरी तरीके से उठा के कहां प्लेस कर दिया है, वाटर के अंदर प्लेस कर दिया है।
देखो यहां तक की चीजें तो हमने फॉर्मूले में सीखी भी हैं, ये कुछ थोड़ी सी नई चीज है कि पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के वाटर में प्लेस कर दिया है। अगर मैं तुम्हें रे ऑप्टिक्स की कुछ चीजें याद दिलाऊं तो वहां से तुम्हें ये तो याद आएगा। अच्छा तुम सोचो ये जो डी है ये कहां की डिस्टेंस है, ये है हमारे पास स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस, और ये डी है ये दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस। अगर वाटर में इमर्स कर देंगे तो इन डिस्टेंसेस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो फर्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है हमारे पास किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। और वेवलेंथ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो न्यू वेवलेंथ है वो हो जाती है म्यू टाइम्स ऑफ इनिशियल वेवलेंथ। तो इसी तरीके से जब ये पूरा का पूरा सिस्टम वाटर में प्लेस किया हो गया होगा तो ये वेवलेंथ चेंज हो गई होगी। इस तरीके से लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 600 × 10⁻⁹ मीटर के टर्म्स में। डी की वैल्यू हमारे पास है 1, म्यू की वैल्यू होगी 4/3, और जो स्मॉल डी है स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²² लिख देंगे यहां पर, ठीक है ना। अब देखो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 600 × 3 × 10⁻⁹ × 10⁻²² / 4 × 0.2, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 450/0.2 × 10⁻⁷। अब ये आंसर आ रहा है मीटर में, और इसे लिख सकते हैं हम इतना, और ये हो जाएगा 2250। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2250 × 10⁻⁷ मीटर। अगर हम इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं, ये इसमें ही लिख लो ये वैल्यू 10⁻⁵ में, बाकी डेसिमल्स जो है वो इसके चेंज कर लेना। समझ आया होगा क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्मॉल डी इज 1 mm, जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, वो 1 mm के बराबर है। एंड लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, जो लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। एंड कैपिटल डी मींस स्लिट और इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। स्लिट इंडिविजुअली प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, दैट मींस I1 = I2 = I0। ये कंडीशन है, उसका मतलब है जो स्लिट है वो इंडिविजुअली सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन स्क्रीन हैविंग 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, देखो इसका मतलब ये है कि एक स्लिट यहां पे, एक स्लिट यहां पे, इस जगह जो फॉर्म हो रहा होगा ना हमारे पास वो हो रहा होगा सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे हो रहा होगा सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो यहां पे 100% उसकी इंटेंसिटी है तो इस पॉइंट पे घटकर कितनी रह जाएगी, 75%, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन स्क्रीन, अगर यहां कहीं 75% रह रही है तो यहां भी कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां 100 की 75% होगी, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूं से वाई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी वाई होगी, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2y आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, अगर दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटी है वो सेम रेडिएट हो रही है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4i0 cos² φ/2। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि जब इंटेंसिटी सेम हो दोनों तरफ से तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ये हमारे पास, ठीक है ना। अब ये ऐसी पॉइंट, ऐसी जगह पे पहुंच गए हमारे पास, ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे मैक्सिमम ये जो इंटेंसिटी है कितनी है, इस वाली इंटेंसिटी का 75% है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास 4i है, इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है हमने, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i है तो यहां पे कितनी बची, 75%। तो 4i का 75% कितना हुआ, 3i0 = 4i0 cos² φ/2। I0 से I0 कैंसिल आउट, 3/4 cos² φ/2, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, √3/2, ये हो जाएगी cos φ/2 की वैल्यू। फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसे
तो हमारे पास 5/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, अब कॉस 5 में कितना होता है, कॉस 5 में होता है ये हमारे पास, कॉस 5 में होगा हमारे पास रूट, वहां होगा ये 60 π/6 के बराबर, तो ये कितने आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा π/3। जो फाई है वो कितना आ गया, फाई आ गया हमारे पास π/3। ये देखो जो फाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई, π/3 के बराबर आ गई। ये है हमारे पास फेज डिफरेंस, यानी कि मैंने वो फेज डिफरेंस निकाल लिया जहां मैक्सिमम से कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, 75% हो जाएगी, कुछ रिड्यूस हो गया। वहां के लिए जो फाई की वैल्यू है वो है π/3। वहां का पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये फॉर्मूला होता है 2π/φ = λ/πθ। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है ये पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेमडा इंटू फाई ओवर 2π। अब जो ये फाई है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, लेमडा π/2 × π × 3, पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, लेमडा बाय 6 के बराबर आ गया। ये वैल्यूज लिखी होंगी, अब मुझे क्या पता करना है, वाई की वैल्यू पता करनी है, मुझे पार्ट डिफरेंस भी पता है कितना है। तो देखो वाई की वैल्यू कैसे पता करेंगे, वाई की वैल्यू का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वाई की वैल्यू पता करेंगे हम कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी, और यहां पे हम जो लेमडा की वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे लेमडा बाय 6, लेमडा बाय 6d, ठीक है ना। और यहां पे ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, और हमें आंसर किसका निकालना है, हमें बेसिकली 2y पता करना है, क्या पता करना है 2y, तो 2y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 2D की वैल्यू होगी हमारे पास 1, लेमडा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 600 × 10⁻⁹ ओवर 6 × d की वैल्यू होगी हमारे पास 1 mm, 1 × 10⁻³। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो गई, 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y की जो वैल्यू है 200 × 10⁻⁹ तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसे मीटर्स में करके लिख लेंगे। और तुम्हें टर्म ना पता चली हो तो किस तरीके से आई है, तो इसे हम ये देख सकते हैं, यहां पर मैंने टर्म कैसे लिखी है, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है d tan θ = path difference, पाथ डिफरेंस है लेमडा बाय 6, और ये जो tan थीटा होगा ये कितना होगा, y बाय d के बराबर होगा, तो लेमडा d/d × 6, वो इस तरीके से लिखा, ये पता होना चाहिए, होपफुली समझ आया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।